आज हम बात करेंगे A.R. मुरुगादास की फिल्म अकीरा के बारे में। इस निर्देशक को हिंदी फिल्म देखने वाले गजनी और हॉलीडे जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। A.R. मुरुगादास उन फिल्मकारों में से हैं जो कमर्शियल सिनेमा के फॉर्मेट में रहकर भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने हीरोइन को लीड रोल देकर एक्शन मूवी अकीरा बनाई है। अकीरा जोधपुर में रहती है। बचपन में उसकी दोस्त पर एसिड अटैक होता है। यह देख अकीरा के पिता उसे जूडो कराटे सिखाते हैं। इसके बाद वह एक लड़के को ऐसा सबक सिखाती है कि 3 वर्ष की उसे सजा होती है। बड़ी होने के बाद वह जोधपुर से पढ़ने के लिए मुंबई जाती है और हॉस्टल में रहने लगती है। दूसरी ओर भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर राणे और उसके साथियों के सामने एक कार एक्सीडेंट होता है। जब वे डिक्की खोलकर करोड़ों रुपए देखते हैं तो उनकी नीयत डोल जाती है। वे रुपए लेकर चंपत हो जाते हैं। उनका यह राज एक महिला दोस्त को पता चल जाता है। धीरे धीरे कुछ और लोग यह बात जान जाते हैं। राणे और उसके साथी एक एक कर सबको मारते जाते हैं, लेकिन मामला उलझता जाता है और अकीरा भी इसमें फंस जाती है। अकीरा के पीछे राणे के साथी लग जाते हैं। रॉबिया ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वह भी जांच शुरू कर देती है। इससे राणे की मुश्किल और बढ़ जाती है। शांता कुमार द्वारा लिखी कहानी रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरपूर है। समानांतर चलती कहानियों को उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से एक दूसरे से जोड़ा है। इंटरवल तक फिल्म तेज रफ्तार से भागती है और सीट से आपको चिपकाए रखती है। अकीरा, राणे और राबिया के किरदार बेहद प्रभावशाली हैं और सभी की एंट्री जबरदस्त है। पहले सीन से ही उनकी छवि दर्शकों के दिमाग में अंकित हो जाती है, जो फिल्म देखते समय बहुत काम आती है। कहानी में अगले पल क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सेकंड हाफ उस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता जिसकी उम्मीद पहले हाफ में जागती है। यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे फिल्म बार बार ट्रैक से उतरती है। सोनाक्षी सिन्हा को पागलखाने में भर्ती किए जाने वाला प्रसंग कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। करोड़ों रुपए लूट लिए गए, लेकिन इसकी कोई हलचल नजर नहीं आती। सेकंड हाफ में सोनाक्षी को प्रमुखता दिए जाने की बजाय राबिया और राणे को ज्यादा फुटेज दिए जाते तो रोमांच और बढ़ सकता था। निर्देशक के रूप में मुरुगादास का काम अच्छा है। ज्यादातर समय वे दर्शकों को बांधने में सफल रहे हैं। एक्शन दृश्यों में वे जरूर थोड़ा भाग गए, जिसका असर फिल्म पर होता है। सोनाक्षी के किरदार को लार्जर देन लाइफ पेश करने के चक्कर में नुकसान फिल्म का हुआ है। एक्शन के साथ उन्होंने इमोशन को भी अच्छे से जोड़ा है। उन्होंने फिल्म को फालतू खींचने की कोशिश नहीं की है। रोमांस की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। फिल्म के सारे कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है। सोनाक्षी सिन्हा को एक्शन करते देखना सुखद लगा। एंग्री यंग वुमेन के रोल में वे फिट लगी। उन्हें निर्देशक ने संवाद कम दिए और ज्यादातर समय उन्हें अपने एक्सप्रेशन से ही काम चलाना पड़ा। अनुराग कश्यप पहले सीन से ही अपनी छाप छोड़ते हैं, हालांकि उन पर नाना पाटेकर का असर दिखा। गर्भवती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रूप में कोंकणा सेन ने प्रभावशाली अभिनय किया है। काश उनको और ज्यादा दृश्य दिए जाते। अमित सद, अतुल कुलकर्णी सहित तमाम कलाकारों का अभिनय उम्दा है। परफेक्ट फिल्म न होने के बावजूद अकीरा आपको बांध कर रखती है और एक्शन थ्रिलर के शौकीनों को पसंद आ सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।